नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। किसी भी महिला के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि उन्हें कब लेबर पेन शुरू होगा। आपको ये समझना चाहिए, लेबर पेन अचानक से शुरू नहीं होता, बल्कि इससे कुछ घंटे पहले ही शुरुआती लक्षण दिखने लगते हैं। ज्यादातर महिलाएं संकेतों को नजरअंदाज कर देती हैं, जिससे उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि उन्हें लेबर पेन शुरू हो चुका है। अगर आप अपनी बॉडी से मिल रहे संकेतों पर ध्यान दें तो समझ जाएंगे कि अब आपकी डिलीवरी होने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे कुछ लक्षणों के बारे में जो लेबर पेन शुरू होने से 24 से 48 घंटे पहले मिलते हैं। डिलीवरी के लिए बच्चे का सिर नीचे योनि की ओर आ जाता है। जब बच्चा इस पोजीशन में शिफ्ट होगा आपको पता चल जाएगा। इससे फेफड़ों पर पड़ रहा थोड़ा दबाव कम होगा और मूत्राशय पर भार बढ़ जाता है। शिशु का सिर नीचे योनि की ओर आने की वजह से पेशाब करने की इच्छा बढ़ जाती है। अब आपको पहले से भी ज्यादा बार पेशाब करने जाना पड़ सकता है। लेबर शुरू होने पर आपको मल त्याग करने की जरूरत महसूस होगी। इस वक्त आपको लेबर पेन भी शुरू हो रहा होता है, इसलिए आप इन दोनों के बीच के दर्द को समझ नहीं पाती। अगर आप इस वक्त मल त्याग कर लेती हैं तो पेल्विक हिस्से में शिशु के लिए जगह बन जाती है। लेबर शुरू होने पर महिलाओं को खाली पेट रहने की सलाह दी जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भाशय ग्रीवा में म्यूकस प्लग बनता है। ये एक मोटा चिपचिपा प्लग होता है जो गर्भाशय ग्रीवा में नमी बनाए रखने और उसे बैक्टीरिया से बचाने के लिए बनता है। डिलीवरी डेट आने पर गर्भाशय ग्रीवा चौड़ी होना शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया में म्यूकस प्लग ढीला होता है और अपने आप निकल जाता है। ये बेरंग, भूरा, गुलाबी या हल्के से खून के साथ बाहर आता है। वही शिशु का सिर नीचे की ओर आने की वजह से कमर दर्द बढ़ता है। लेबर के दौरान शिशु के सिर की वजह से मां के टेलबोन पर दबाव पड़ता है। इसके कारण बहुत तेज पीठ और कमर दर्द शुरू हो जाता है। डिलीवरी के कुछ दिन पहले पेट में कॉन्ट्रैक्शन उठना भी शुरू होता है। इसका मतलब है कि जन्म नलिका पर शिशु से दबाव पड़ना शुरू हो गया है। इस वक्त आपको गर्भाशय में ऊपर से लेकर बीच में हल्के कॉन्ट्रैक्शन महसूस होते हैं। वही प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में भ्रूण एमनियोटिक फ्लूइड की एक थैली से ढका होता है। ये शिशु को सुरक्षित रखने में मदद करता है। लेबर की शुरुआत में ही ये थैली फट जाती है और इसका बेरंग दिखने वाला पानी बाहर आ जाता है। पानी की थैली फटने के तुरंत बाद आपको हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।